31 साल बाद एक फैसला। दिल्ली हाई कोर्ट ने यूपीपीएससी के 16 जवानों को उम्र कैद की सजा सुना दी। करीब 3 दशक से इंतजार कर रहे पीड़ित परिवारों को इस बात की तसल्ली मिली कि चलो कम से कम इंसाफ तो मिला। लेकिन 42 लोगों की हत्या का मामला महज हत्या भर सिमटा हुआ नहीं था। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा भी कि ये हत्या मनुष्यता के खिलाफ थी, तो आखिर क्यों की गई थी 42 लोगों की हत्या? दरअसल ये मामला फरवरी 1986 से जुड़ा है। तत्कालीन केंद्र सरकार ने बाबरी मस्जिद का ताला खोलने का आदेश दे दिया। इसके बाद वेस्ट यूपी का माहौल गर्मा गया और फिर 14 अप्रैल 1987 से मेरठ में धार्मिक उन्माद शुरू हो गया। भयंकर आगजनी, लूट और हत्या के मामले सामने आने लगे। मई में तो हालात और भी बेकाबू होने लगे। हालात इतने बिगड़ गए कि प्रभावित इलाकों में पीएसी के जवानों के साथ ही सेना को भी तैनात किया गया। सर्च ऑपरेशन शुरू भी हुआ। इस दौरान हजारों लोगों को पकड़कर जेल भेज दिया गया और फिर आई 22 मई की वो रात जब हाशिमपुरा कांड को अंजाम दिया गया। 22 मई 1987 को पुलिस, पीएसी और सेना का सर्च अभियान जारी था। जानकारी के मुताबिक इस दौरान सैकड़ों लोगों को ट्रकों में भरकर पुलिस लाइन ले जाया गया। उन्होंने कुछ तलाशी तलाशी नहीं ली, उनका बाहर निकलो, सब बाहर बैठो, बाहर बिठा लिया और का। इस दौरान दिन ढलने के बाद एक ट्रक को पीएसी के जवान दिल्ली रोड पर मुराद नगर गंग नहर पर लेके गए थे। ट्रक में करीब 50 लोग मौजूद थे। ट्रक से उतार कर लोगों को गोली मारी जाने लगी और फिर उन्हें हिंडन नदी में फेंक दिया गया। मेरा सबसे बड़ा बेटा कमरुद्दीन था जी, जिसको पीएसी ने घर से पकड़ के ले गए थे और मुराद नगर जाकर गोली मारकर नहर में फेंक दिया था। वो मेरे पास जब से वापिस ही नहीं आए। लेकिन इनमें से कुछ लोग बचने में कामयाब भी रहे। इसके बाद बच गए लोगों में शामिल बाबूद्दीन ने गाजियाबाद के लिंक रोड थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद हाशिमपुरा कांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया।